सुबह का बज रहा है करीब 6:30 और रात भर से यार भीषण बारिश हुई है। कबूतर जा 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 कबूतर जा। मुझे तो इस वक्त ये पेंटिंग लग रही है यार। सो हे गाइस, क्या हाल है सभी के? आई होप यू ऑल आर गुड। सो वेलकम बैक टू द वीडियो। तो इस वक्त मैं हूँ बीच कहीं मॉल रोड में और पीछे देख ही रहो, नैनीताल लेक तो दिख ही नहीं रही है पीछे। तो आज मॉर्निंग में अच्छी खासी बारिश हुई। मॉर्निंग क्या, पूरी रात भर बारिश, बहुत तगड़ी बारिश हुई थी और मॉर्निंग में 7, 7:30, 8 बजे तक बारिश हुई है। सो यार सुबह 5 o'clock उठ गया था तो बारिश देख रहा था तो थोड़ा सा शूट करा। और बाकी दिन में आज का क्या वेदर है, कैसा माहौल है, टूरिज़्म कैसा है, पूरा देखते हैं और काफ़ी लोगों की क्वेरीज़ भी है, वो भी सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस वक्त लाइब्रेरी के पास हूँ और यहाँ पर जो सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, तो अब थोड़ा टूरिज़्म जो है थोड़ा हल्का हो चुका है नैनीताल शहर में इस बीच, क्योंकि बरसातों का मौसम है और लोग अब थोड़े बहुत कम दिखने लगेंगे इस शहर में। तो यहाँ की कुछ सरकारी बतके भी हैं, तो ये जो है ये सारी सरकारी बतके हैं ये। तो ये इसका जितना भी भरण पोषण, इनका खाना पीना होता है नगर पालिका द्वारा होता है। मतलब आपको अगर कोई ये बतख मिले, इसका मतलब ये नहीं कि इसका हैप्पी बर्थडे कर दो आज, निपटा दो। तो ये सरकारी बतके हैं और इनका जो घर, मतलब जहाँ रहती हैं, वो ठीक लाइब्रेरी के नीचे इनका मतलब घर बनाया गया है। तो लाइब्रेरी के आसपास आपको ये बतके दिख जाएंगे और मस्ती कर रही हैं बतके। मौसम तो यार मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था, द ग्रेट फॉग ऑफ इंग्लैंड, तो आपको दिख रहा होगा उस तरफ भी पूरा फॉग ही फॉग, द ग्रेट फॉग ऑफ इंग्लैंड या लंदन फॉग, दोनों में से जो भी ले लो, ब्रिटिशर्स ने दिया था नाम। तो हम लोग जा रहे हैं तल्लीताल की तरफ को, वहाँ को चलते हैं। अच्छा, कुछ लोग मुझसे जो है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे या हॉलीडे होम नैनीताल जो है उसकी लोकेशन पूछ रहे थे, वो कहाँ पर है। मैं बता दूँ, वो मॉल रोड में है, जैसे आप लाइब्रेरी पर पहुँचोगे उसके ठीक मतलब सामने ही कहा जाएगा, वहीं पर को ये है। और अंदर होटल्स हैं सारे, इसमें सिद्धार्थ होटल है, होटल पैलेस है, मतलब बहुत सारे होटल हैं, अम्बेसडर होटल है, आशियाना है अंदर को, तो मतलब बहुत अनगिनत होटल हैं। अब मैं अंदर जाके होटल की ब्रीफ नहीं देने वाला हूँ, बट यहाँ पर आके फ़िलहाल तो अभी रेट जो चल रहा है वो 2K के हिसाब से चल रहा है, 2K प्लस ही चल रहा है, क्योंकि ये मेन झील के पास वाले होटल्स हैं सारे। तो इसकी अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए होगी, मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना होटल्स इन नैनीताल, उसमें मैंने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर रखा है नैनीताल में कौन कौन से होटल हैं, क्या क्या होटल्स हैं। तो आज के अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो दिन में करीब है 22 डिग्री के आसपास और शाम को हो रहा है 16 डिग्री के आसपास। उमस है, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, अच्छी खासी बारिश हुई थी, रात भर पूरी बारिश हुई थी, तो लेकिन उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मौसम अब भी मतलब बना तो है बारिश आरिश का, लेकिन बारिश पड़ नहीं रही है, हल्की फुल्की अभी बूंदाबांदी हो रही थी लेकिन। तो हम पहुँच चुके हैं डोमिनोज़ के पास। डोमिनोज़ के पास से अलका होटल, एवरेस्ट होटल, इंडिया होटल, यहाँ के तीनों चारों अच्छे होटल्स हैं। हम लोग थोड़ा सा लेक के एकदम करीब भी जाएंगे, बिल्कुल करीब। अभी मैं गिरते गिरते बचा क्योंकि मेरा ध्यान लेक पर था और ठोकर लग गई थी। तो खैर अभी बहुत अच्छा मौसम तो हो रहा है फ़िलहाल। बाकी लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी, वो भी अभी सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कुछ पूछ रहे थे मुझसे। तो पहले आप प्रकृति का आनंद लीजिए, उसके बाद हम आपसे बातचीत करते हैं। तो जल्दी से एक Q&A सेशन हो जाता है आपके और मेरे बीच, तो आप नहीं हो लेकिन आपके क्वेश्चंस हैं। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या नैनीताल में जब आजकल जो बारिश पड़ रही है तो हम आए नहीं आए, ये तो खैर मोस्ट ऑफ़ द पीपल्स का है कि क्या सेफ़ रहेगा नहीं रहेगा। देखो आजकल जो मौसम हो रहा है ना नैनीताल, नैनीताल का क्या हो रहा है कि रात को बारिश पड़ रही है, दिन में बिल्कुल नहीं पड़ रही है। रात में भीषण बारिश पड़ जा रही है, दिन में नहीं पड़ रही है। तो अगर आप आ रहे हो तो मतलब इट्स गुड फॉर यू कि रात में कौन सा घूमोगे आप, तो रात भर होटल में बिताओ, बारिश का आनंद लो, सुनो बारिश को, और दिन भर ठीक ही हो जा रहा है। सो ठीक ही, अगर आ रहे हो तो दिन में तो आजकल बारिश नहीं पड़ रही है, बट बारिश का कुछ भरोसा नहीं है, पड़ भी सकती है, अब भी पड़ सकती है थोड़ी देर में, माहौल पूरा बना हुआ है। तो आगे और लोग पूछ रहे थे कि हाँ, एक क्वेरी लोगों की बहुत सारी आ रही है कि अगर हम दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं और हम बाई ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं तो हम कहाँ पर उतरें। तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप काठगोदाम स्टेशन जो है उसको ना, उसको छोड़कर आप हल्द्वानी स्टेशन उतर जाइए अगर आपको बस से आना है। मतलब इसका आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि जो काठगोदाम स्टेशन है वो, और जो बस स्टेशन है उसके और काठगोदाम स्टेशन के बीच में करीब 5
या 4 किलोमीटर का फासला है, तो इससे अच्छा हल्द्वानी स्टेशन उतरिए, वॉकिंग डिस्टेंस पे बस स्टेशन है, वहाँ से इजीली आपको 70 रुपये में बस का किराया लगता है नैनीताल के लिए, तो वहाँ पर आ सकते हैं, और 150 रुपये करीब कैब का लगता है। काफ़ी लोग इन्जॉय कर रहे हैं बोटिंग, तो हम बीच कहीं मॉल रोड में हैं और एक बतख दिख रही है मुझे, इकलौती बतख, बागी बतख लग रहा है, भाग गई। और सामने चाइना पिक तो दिख भी नहीं रहा, देखा चाइना पिक और बादल एक हिस्सा दिख रहा है, बस एक हल्की सी टुकी दिख रही है चाइना पिक की, बाकी बादल से कवर है। तो बहुत ही सुंदर विजुअल इस वक्त दिख रहा है यार, अगर ये गोल्डन हो जाते बिल्कुल की तरह मस्त लगते हैं ना। तो चलो तलीताल तक तो चलते हैं और वहाँ का जायज़ा लेते हैं। कैनरी रोड जो है उस पर आ चुके हैं हम, और ये सारे मजनुओं के पेड़ हैं मेरे राइट हैंड साइड में, जितने भी ये सारे के सारे मजनुओं के पेड़ हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था इन पेड़ों को मजनुओं का पेड़ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ताल की तरफ को झुके हुए हैं, जैसे होता नहीं लैला मजनू की, मजनू के लिए झुक जाता है मतलब प्रेम में, तो वैसे ही ये आगे को झुके हुए हैं, तो इस वजह से इनको मजनुओं का पेड़ बोला जाता है। अभी किसने रखा क्यों रखा मुझे इसके बारे में तो नहीं पता, बट इन्हें मजनुओं का पेड़ बोला जाता है। अगर हम आज के टूरिज्म की बात करते हैं कि किस तरीके का रश है, फिलहाल आज नैनीताल में रश नहीं है बिल्कुल भी, काफ़ी मैं रेस्टोरेंट देखते हुए आ रहा था तो खाली पड़े हुए हैं, काफ़ी रेस्टोरेंट जो है कस्टमर्स का वेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आज हल्का है टूरिज्म। तो अगर कोई इस बीच आना चाह रहा है जिसे पीस ऑफ माइंड पसंद है, हल्का फुल्का मतलब लोनलीनेस पसंद है, तो बारिश के मौसम में आ जाओ, भीड़ ज़्यादा नहीं मिलेगी, हाँ शनिवार इतवार को छोड़कर, क्योंकि शनिवार इतवार में यार बायां भीड़ हो जाएगी एकदम, मुझे पता है छुट्टियां पड़ती है, सैटरडे संडे जैसे वीकेंड होता है नैनीताल फुल हो जाता है। फिलहाल इस बीच तो अकेलापन है, जैसे सर्दियों में एकदम अकेलापन हो जाता है ना, विंटर्स में कभी आओ ना नैनीताल शहर, भाई शून्य में चला जाता है पूरा शहर। ये रहे कबूतर, एक इधर एक इधर, कबूतर जा 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 कबूतर जा, रुक जा कबूतर कबूतर। तो तलीताल पहुंच चुके हैं और आप जब नैनीताल एंटर करोगे तो ये चुंगी पड़ेगी आपको, और जो एक गाड़ी का जो शुल्क पड़ता है वो पड़ता है 110 रुपये, और जो 110 रुपये पड़ता है वो अंदर एंट्री का पड़ता है। और एक बात ध्यान रखना, आप जितनी बार यहाँ से गुजरोगे मतलब आप लोअर मॉल रोड से अंदर गए और फिर अपर मॉल रोड से आते हो फिर दोबारा अंदर जाओगे तो दोबारा पैसे पड़ जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो अगर आते हो तो लोअर मॉल रोड में जाओ और सीधे घुस के सबसे बड़े कार पार्क करो, नहीं तो यहाँ जितनी बार गोल चक्कर काटोगे आपके 110 रुपये हर बार पड़ते रहेंगे, क्योंकि काफ़ी टूरिस्ट इस बीच इस चीज़ से भी लड़े आते हैं कि अभी तो हमने चुंगी दी थी मतलब 10 मिनट पहले, तो ये यहाँ पर नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो तलीताल वाला जो बोट स्टैंड है वहाँ पर आ गए हैं भाई, और मौसम देखो कैसा हो गया, मतलब हर क्षण यहाँ का मौसम जो है ना बदलता रहता है यार, नैनीताल का मौसम प्रेडिक्ट करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो ये रहा जब आप बस से उतरेंगे, ये देखो यहाँ कबूतर से बच्चा खेल रहा है, उसे पकड़ने की कोशिश में है, चलो छोड़ो। तो हम जब आप बस से जब उतरोगे तो सामने आपको मिलेगी ये नैनीताल की झील सुंदर, और ये बोटिंग स्टैंड, यहाँ से भी रेट यही सेम ही है, यहाँ से भी 210 रुपये का एक पूरा चक्कर पड़ता है, और लेकिन वो वहाँ से घुमाएंगे वापस आपको यहीं छोड़ देंगे, ये ध्यान रखना। बस से उतरे और ठीक सामने नैनीताल आपको लेक जो है सुंदर सी वो दिख जाएगी और मज़ा आ जाएगा। सो द ग्रेट फॉग ऑफ इंग्लैंड, द ग्रेट फॉग ऑफ लंदन, कुछ भी कह लो यार, इस वक्त देखो क्या मस्त नज़ारा है, मुझे तो इस वक्त ये पेंटिंग लग रही है यार, मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से मैं अपने फ़ोन को हटाऊं, सही बताऊं तो। सो दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। एट लास्ट आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो लाल वाला बटन से तोड़ो मोड़ो जोड़ो जो भी करो बस दबा देना, नैनीताल के रिगार्डिंग नई नई वीडियोज़ और नई नई अपडेट्स आते रहेंगी। अगर कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, फिर हम उस पर बातचीत कर लेंगे। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए आपको इस खूबसूरत नज़ारे के साथ छोड़ के जा रहा हूँ, टाटा।